हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया चमकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। विजय ने किसको लिखा एक प्यारा नोट? टाइगर ने किसको दी बेस्ट विशेस? क्या टाइगर आने वाले हैं क्रिश 4 में? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी एक्टर टाइगर श्रॉफ और उनकी फैमिली के संग बेहद करीबी रिश्ता रखती है। वो आए दिन टाइगर की फैमिली और माँ आयशा श्रॉफ की खास फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं। इसी बीच एक बार फिर से दिशा ने अपने इंस्टाग्राम पर टाइगर की माँ के लिए एक स्पेशल नोट लिखा है और उन्हें जन्मदिन विश किया है। दिशा पाटनी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आयशा श्रॉफ की एक प्यारी तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, जन्मदिन की शुभकामनाएं आंटी, आप सबसे शानदार इंसान हैं और अंदर से बहुत खूबसूरत है। बिना किसी शर्त के साथ ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद, लव यू। आपको बता दें कि आयशा श्रॉफ ने 5 जून को अपना 62nd बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर बॉलीवुड के सितारों सहित उनकी फैमिली और फैंस ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि उन सभी विशेज में सबसे चर्चा दिशा पाटनी के पोस्ट की हो रही है। दिशा पाटनी ने आयशा के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया और उन्हें सबसे शानदार इंसान कहा है। टाइगर ने अपनी माँ के साथ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की। माँ के साथ फोटो शेयर करते हुए टाइगर ने कैप्शन में लिखा, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी माँ को जन्मदिन मुबारक हो, आपसे बहुत प्यार करता हूँ मामा। बता दे टाइगर दिशा की बी टाउन की जोड़ी फेमस रूम्ड कपल में एक है। ये जोड़ी अपनी फिटनेस को लेकर ज्यादा खबरों में रहती है। वहीं ये दोनों सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव पर्सन में से एक है। इसके साथ ही दोनों एक दूसरे के सोशल पोस्ट पर फ्लर्टी कमेंट कर फैंस से वाहवाही बटोरते रहते हैं। आपको बता दें कहा यह जा रहा है कि टाइगर जल्द ही ऋतिक के साथ उनकी अगली फिल्म क्रिश 4 में दिख सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि राकेश ने उनको स्क्रिप्ट भेजी है, अब उनका जवाब आना बाकी है। आपको क्या लगता है, टाइगर क्रिश 4 करेंगे या नहीं? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।